भी हम आपको धीरे से रिवील करेंगे, वो बहुत जल्द आएगी, वो भी नई एक्ट्रेस है, उसको हम बहुत ही जल्दी इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, क्योंकि ये पहली कड़ी थी हमारी मार्केट में बागपत के दूल्हे को इंट्रोड्यूस करने की, और हम दुल्हन को भी बहुत जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। ये कॉमेडी फिल्म है एंड इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग, और एक डिफरेंट टाइप का रोल है, जैसे कि करण जी ने कहा, एक एग्रेसिव मदर विद कॉमेडी इन इट। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोग, आई एम श्योर, ये फिल्म ज़रूर देखेंगे और बहुत अच्छी बनाई जाएगी। और आज की डेट में मुझे लगता है कि कोई भी फिल्म छोटी या बड़ी नहीं होती, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और मेहनत का फल मीठा होता है। मैं गुजरात से बिलोंग करती हूँ, मैं राइटर हूँ, गुजराती लिटरेचर में काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ, और जब मैं मुंबई आती हूँ फिल्म फेस्टिवल्स के लिए तो बहुत सारे लोगों से मिलना होता है। करण जी ऐसे ही मिले थे और मुझे उनकी कहानियाँ पहले से भी सुनाई थी, कुछ शॉर्ट फिल्म सुनाई थी, लेकिन जो बागपत का दूल्हा की कहानी है उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगी जिससे मैं कनेक्ट फील करती हूँ। मुझे लगता है कहानी में एवरीथिंग, लाइक हम जिसको बोलते हैं कि एक फुल एंटरटेनमेंट मूवी है, तो बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको पसंद आएगी। और इसमें काफ़ी सारे ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि ऐसे फीचर्स पे काम किया गया है जिसको मैं काफ़ी सालों से चेज कर रही हूँ। कहानी में लैंग्वेज के ऊपर काम किया गया है, कहानी में लव स्टोरी के ऊपर काम है, तो फैमिलीज के बीच का ड्रामा है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो एक छोटे से शहर की कहानी भी है और किसी बड़े शहर वालों को भी कनेक्ट कर सकती है, ऐसी कहानी है। सोशल मैसेज एसएच तो नहीं, हाँ लेकिन सोशल मैसेज अगर निकालना चाहे तो निकल सकता है, बट एसएच कोई सोशल मैसेज नहीं है, एंटरटेनर फिल्म है, एंटरटेनिंग फिल्म है। कहानी एक ऐसे दो परिवारों की कहानी है जो आपस में लड़ते हैं, ऐसी कहानी है जिसमें कोई नहीं चाहता कि एक शादी हो, लेकिन वो शादी हो रही है, और वो शादी होगी या नहीं होगी ये कहानी है। तो बड़ा एंटरटेनिंग और थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट है, डेफिनेटली लोग कनेक्ट करेंगे और अच्छी लगेगी। नहीं ये ऐसी नहीं है, ये ऐसी कहानी नहीं है जिसमें दूल्हा उठ जाएगा, या यहाँ लड़का लड़की मिल रहे हैं वो आपस में प्लानिंग कर रहे हैं कि हम यार हमारी ये शादी नहीं होगी, वो फैमिलीज मिल रही है डिसाइड कर रही है कि शादी नहीं होगी, वो क्यों हो रहा है और किस वजह से हो रहा है ये फिल्म में डेफिनेटली हम लोग फिल्म में बताएंगे। अभी पूरा मूवी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि मूवीज बहुत सारी अपन जब देखते हैं, मोस्टली मूवी में क्या होता है, एक लव स्टोरी होती है या फिर कोई एक्शन से भरपूर मूवी, तो ये मूवी की कहानी मतलब एक प्लॉट जब सुनाया तब पता चला कि मूवी में लव स्टोरी है, कॉमेडी है, और जो ट्विस्ट उन्होंने सुनाया है मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी। मुझे सुनते ही तो कॉमेडी भी है, ड्रामा ही है, मतलब एक फुल एंटरटेनमेंट मूवी, तो फिर मैंने झट से हाँ बोल दिया कि मैं करूँगा। कॉमेडी शुड बी वेरी नाइस एंड पीपल शुड लाफ ओवर देयर, नॉट लाइक कॉमेडी शुड नॉट बी चीप फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड इट शुड नॉट हैव एनी डबल मीनिंग्स, दैट्स व्हाट आई थिंक। अभी हम लोग जो वर्कशॉप कर रहे हैं, क्योंकि मैं गुजरात से सूरत से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी लैंग्वेज जो गुजराती है, इस मूवी पे स्पेशली लैंग्वेज जो बागपत जो जगह है यूपी की, वहाँ की लैंग्वेज को ज़्यादा टारगेट किया हुआ है कि जो बातें जो बोलने में ही कॉमेडी लगती है, तो उस लैंग्वेज को सीखने के लिए वर्कशॉप चल रहे हैं, तो उसमें भी इतना मज़ा आ रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि फुल एंटरटेनमेंट, तो जो जो चीज़ें बोलने में ही इतना मज़ा दे रही है वो मूवी ज़्यादा अच्छी कॉमेडी बन के निकलेगी, तो अब तक तो सब सही जा रहा है। आज की यंग जनरेशन को टारगेट करते हुए गाने हैं, कुछ गाने ऐसे हैं जो 90s में बजते थे, आपने अगर उसमें आप देख रहे होंगे जहाँ जो पोस्टर लगा है उसमें एक टीवी है और वो टीवी बहुत पुराना है, तो हम उस हीरा की वो थोड़ा सा उस समय की बात कर रहे हैं जहाँ पे चैनल खटके से बदले जाते थे रिमोट से, वहाँ जहाँ एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, मोबाइल था जहाँ इनकमिंग के रेट्स लगा करते थे, उस समय की कहानी है। सो उस समय बहुत सारी चीज़ें जो अभी आजकल बड़ी कॉमन हो गई, लोग एक दूसरे से डिसकनेक्ट हो गए, कनेक्ट होते हुए फेसबुक और उस पर, लेकिन डिसकनेक्ट हो गए, वो थोड़ा सा एक टाइम दिखाने की कोशिश की है। जैसे हमारा लीड है तो जो है जय सिंह जो लीड कर रहे हैं वो हमारे दूल्हे यही हैं, रजा मुराद साहब हैं, ललित परिमू जी जो मेरी फिल्म कठोर में पिछली बार भी थे, बहुत अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने अपने आप को हर बार साबित किया है, वो भी हैं, रजा मुराद साहब हैं, पुनीत वशिष्ठ जी हैं, काफ़ी लंबा उनका भी करियर रहा है, अमिता नागिया जी हैं, और काफ़ी लोग इससे जुड़ते जा रहे हैं इस फिल्म से। म्यूज़िक वीडियोज़ किए हुए हैं, पंजाबी म्यूजिक वीडियो किया हुआ है, यूट्यूब के लिए भी काम किया हुआ है पहले, और मैं खुद एक फिटनेस मेरा खुद का एक फिटनेस इंस्टीट्यूट है सूरत में, तो मैं फिटनेस से जुड़ा हुआ हूँ, और गुजरात में मेरा यही काम है कि मैं 8-9 साल से सिर्फ लोगों को स्वस्थ रखने की कोशिश कर रहा हूँ। रजा मुराद है, अमिता जी, अमिता नागिया और दमदार, ये दो तो नाम है, रजा मुराद और अमिता नागिया।
जैसे हर फिल्म में एक रंग हमेशा होता है, हर फिल्म के अंदर नौ रस आपको देखने को मिलते हैं, उसमें रोमांस भी होगा, उसमें कॉमेडी भी होगी। मैं अपने आप को कोई फिक्स जोनर का डायरेक्टर नहीं बनाना चाहता, मैं हर जोनर में काम करना चाहता हूँ। मैं कॉमेडी पे भी काम करना चाहता हूँ, मैं हॉरर पे भी करना चाहता हूँ, मैं सीरियस मतलब मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ और हर तरह के सब्जेक्ट को उठाकर उन पर काम करना चाहता हूँ। सुनिए, इसकी शूटिंग बागपत हो रही है, मेरठ में हो रही है, इलाहाबाद हो रही है, मेघालय हो रही है और मुंबई में हो रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आज की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है और मुझे लगता है वी शुड मेक लाइट फिल्म्स जो लोग सिनेमा में जाके रोए मत और हंस के आए एंड इन अ लाइट मूड। सी आई एम एन एक्ट्रेस और मैं चाहे किसी बड़े हीरो के साथ काम करूं या फ्रेशर के साथ काम करूं, इट्स अ प्लेजर टू वर्क विद ऑल द एक्टर्स। His passion is going to travel on to all of us and we are going to put our everything into it.